हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरुणा स्पेंड्स 30% ऑफ अ सैलरी ऑन फूड, 25% ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 5% ऑन कन्वीनियंस। इफ अ सेविंग एट द एंड ऑफ अ मंथ इज ₹2,500, देन फाइंड हर मंथली सैलरी। ठीक है, सेविंग क्या होगी, उसके जो टोटल इनकम है उसमें से हम उसका जो टोटल खर्चा है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, उसकी सेविंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं उसकी जो इनकम है, इनकम या सैलरी जो भी है 100 है। ठीक है, तो 100 में से उसका टोटल खर्चा हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। इनकम 100 है, परसेंटेज में गिवन है, तो 30% ऑफ 100 कितना होगा, 30। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लो, चाहे 30 आएगा। वैसे ही 20% 20 होगा, 5% 5 होगा। इनकम 100 माइनस उसका टोटल खर्चा कितना है, 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 5, ये हो गया 100 माइनस 25 25 50 प्लस 30 80। तो 100 माइनस 80 इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। लेकिन 20 नहीं गिवन है, हमारे पास कितना गिवन है, 2500। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से कर देंगे, 150 नहीं 125। ठीक है, इससे भी 125 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2500। अगर इस सेविंग को हम 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी इनकम कितनी मानी थी हमने, 100। इसे भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 से, कितना आ गया हमारे पास, 12500, ये आ गई उसकी इनकम हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय भारती 20% वॉज स्पेंट ऑन परचेज एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, इफ शी लेफ्ट विद ₹1,360 फाइंड द इनिशियल अमाउंट। ठीक है, टोटल इनकम का अगर 20% परचेज पे खर्च करती है भारती, 15% रिमेनिंग का ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है, तो उसके पास पैसे कितने बचते हैं, 1,360। तो उसका इनिशियल अमाउंट निकालना हमारे हमें जो स्टार्टिंग में था उसके पास। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट हर इनकम और इनिशियल अमाउंट इज 100। ठीक है, 20% खर्च करती है, तो 100 का 20% क्या होगा, 20, कितना आ गया, 80 बचे उसके पास ये इस पे परचेज पे खर्च करने के बाद। ठीक है, उसके बाद 15% रिमेनिंग का खर्च करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, रिमेनिंग कितना है, 80, इसमें से माइनस करना है 15% ऑफ 80, 15 बाय 100 ऑफ 80। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 जा, तो ये आ गया 80 माइनस 12, कितना बच गया हमारे पास, 68। लेकिन जो हमारे पास लास्ट में बचना चाहिए वो कितना है, 1,360। यहाँ पे बच कितना आ रहा है, 68, तो इसको 1,360 बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसे डिवाइड करके देख लो, 1,360 को 68 से करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 20। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 1,360 आ गया। अगर इसे हम 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,360 बन रहा है, तो इनकम को भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकम कितनी मानी थी हमने, 100,
तो 100 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बच आ गया हमारे पास, ये आ गई उसकी इनकम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे वे से करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा छोटा होगा इससे। अगर मैं उसकी इनकम x मान लूं, ठीक है, x इंटू कितना खर्च कर देती है, 20% कर देती है परचेज पे, ठीक है, तो बचेगा 20% खर्च करने के बाद कितना बचता है उसके पास, 80% इंटू ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करती है, 15%, 15% खर्च करने के कितना बचेगा उसके पास, 85%। ठीक है, ये सब खर्चे होने के बाद उसके बाद कितने रुपए बचते हैं, 1360। इसे सॉल्व कर लो, 2 4 5 5 1 5 1 17। ठीक है, x इंटू 4 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1360। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, उधर चला जाएगा 1360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17, ये 2 50 25। इसे मल्टीप्लाई कर लो और 17 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वही आएगा 2000। ठीक है, ये शॉर्ट वे है इसी क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, द रिमेनिंग 7000 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी में टोटल कुछ बुक्स हैं जिसमें 20% बुक्स हैं वे हिंदी की हैं, 50% बुक्स जो हैं रिमेनिंग में इंग्लिश की हैं, और 30% ऑफ द रिमेनिंग इन फ्रेंच। ठीक है, अगर ये सब निकालने के बाद 7000 बुक्स बचती हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, तो हमें बताना है लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि लाइब्रेरी में जो बुक है, लेट टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज एक्स। ठीक है, अगर x नंबर ऑफ बुक्स हैं टोटल लाइब्रेरी में, तो x इंटू 20% बुक्स हिंदी की निकाल देते हैं तो कितनी बचेगी हमारे पास, 80%। 50% ऑफ रिमेनिंग इंग्लिश की निकाल देते हैं तो हमारे पास कितनी बचेगी, 50%। उसके बाद 30% फ्रेंच की निकाल देते हैं तो हमारे पास बचती हैं 70%। ठीक है, और ये सब निकालने के बाद टोटल रीजनल लैंग्वेज में हमारे पास बुक बचती हैं 7000। इसे सॉल्व करते हैं, 5 1 5 2 2 4। ठीक है, ये क्या बचता है, 7 2 4 28 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 7000। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे, इसे यहीं पे सॉल्व कर लूँ, 14 2 ये उधर चले जाएगा 250, ये तो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ऐड 250 इंटू ये 100 जाएगा उधर इंटू 100, ये आ गई 25000। ठीक है, ये एक्स थी हमारी टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये आ गई हमारे पास इतनी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 10% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, एट द एंड ऑफ द थर्ड ऑपरेशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क रिमेनिंग। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें प्योर मिल्क है, उसमें 10% वाटर मिला दिया जाता है, मिल्क निकालते हैं और वाटर मिला देते हैं 10%। ठीक है, और यही प्रोसेस हम 3 बार रिपीट करते हैं, तो हमें बताना है लास्ट में मिल्क की परसेंटेज बतानी है उस टोटल में। ठीक है, 10% गिवन है तो 1/10, तो इसे हम लास्ट हमने जैसे क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसे मैं टोटल मिल्क मान लूँ, ठीक है, और इसे मान लेता हूँ मैं जो हम मिल्क निकाल के वाटर डाल रहे हैं, वाटर एडेड,
तो हर प्रोसेस के बाद हमारे पास मिल्क कितना रह जाएगा, पहले 10 था, निकाला एक वाटर डाला तो मिल्क कितना बचा हमारे पास, 9। ये सेम प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो तीनों बार ये सेम होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास 1000, ये आ गया हमारे पास 729। तो तीनों प्रोसेस के बाद हमारे पास मिल्क कितना रह जाएगा, 729। लेकिन हमें उसकी परसेंटेज बतानी है कितनी है, तो 729 इनिशियली मिल्क कितना था हमारे पास, 1000। मिल्क रह गया 729, इनिशियली मिल्क था हमारे पास 1000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20, 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये है मिल्क की क्वांटिटी जो ये तीनों प्रोसेस खत्म होने के बाद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ घी इज इंक्रीज बाई 7.12%, द इंक्रीज इज ₹15, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ घी पर kg। ठीक है, घी है जिसका प्राइस इतना परसेंट इंक्रीज किया जाता है, रुपीज में क्या होना है, ₹15, तो हमें न्यू प्राइस निकालना है घी का कितना होगा। ठीक है, सेम परसेंट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हम, 7.12% है ये, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 15/2%, परसेंट का साइन हटेगा, 15/2 × 100, 3 = 20, तो ये आ गया 3/40। ये मान लेता हूँ मैं इनिशियल प्राइस है घी की, ये है इनिशियल प्राइस और ये है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद 40 इनिशियल प्राइस थी, 3 रुपये इंक्रीज हुए, कितनी बन गई, 43 बन गई। ठीक है, इंक्रीज है 3 का, लेकिन इंक्रीज हमें यहाँ पे गिवन है, 15 रुपये इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3, इसको 15 बनाएंगे हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, ये आ गया 15। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा फाइनल प्राइस भी कितने से, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 21, जो हमारी फाइनल प्राइस आएगी घी की वो कितनी आएगी, 215, इंक्रीज के बाद इतनी हो जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are 20% and 50% मोर देन द थर्ड, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर्स हैं, जो थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर है जो वो 20% ज़्यादा है और जो सेकेंड नंबर है वो 50% ज़्यादा है, कितने, किससे, थर्ड नंबर से। तो अगर मैं मान लेता हूँ, लेट द थर्ड नंबर बी 100, अगर मैं थर्ड नंबर को 100 मान लेता हूँ तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर 20% ज़्यादा है 100 से, तो 100 का 20% क्या होगा, 20/100 × 100 = 20, तो फर्स्ट नंबर हो गया 100 + 20 = 120। सेकेंड नंबर 50% ज़्यादा है थर्ड से, थर्ड है हमारा 120, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 150। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट है। ठीक है, 120/150 × 100, 0, 0, 5 × 20, 20 × 4 = 80%, 80% आ गया है फर्स्ट नंबर सेकेंड का। ठीक है, ये भी बताना था हमें इस क्वेश्चन में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक गेट्स 70 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स इन एन इंग्लिश पेपर वेयर द मैक्सिमम मार्क्स इज 400, देन फाइंड द पास परसेंटेज। विवेक को 70 मार्क्स मिलते हैं और वो फेल होता है 30 मार्क्स से। ठीक है, तो हमें टोटल मार्क्स है 400, हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है। 70 मार्क्स मिले विवेक को, 70 मार्क्स मिले, फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, 30 से, तो
70 प्लस 30 पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे, 100। 70 मार्क्स मिल रहे हैं, 30 से फेल हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे 100 आ गए। अब हमें इसे की परसेंटेज निकालनी है, ये 100 टोटल मार्क्स जो है 400 उसका कितना परसेंट है, तो 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 ये आ गया हमारे पास 25%। 25% हमारा आंसर है, 25% पासिंग परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 175 मार्क्स एंड फेल्स बाय 25 मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम में एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, अगर उसे 175 मार्क्स मिलते हैं तो फेल होता है 25 मार्क्स से, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। क्वेश्चन से पता चलता है कि जो 40% है वो इक्वल है 175 प्लस 25 के, 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, 175 मार्क्स उसे मिलते हैं, फेल होता है 25 मार्क्स से, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो वो वैल्यू आएगी 40% के इक्वल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 200, 40% की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी किसकी है, 100% की, मैक्सिमम मार्क्स निकालने ना, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की कितनी आएगी, 200 डिवाइडेड बाय 40 आ गया, 1% की वैल्यू आई 5, हमें निकालनी है 100% की, तो 5 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 500, ये आ गए हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 35% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 60% मार्क्स गेट 35 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। एक कैंडिडेट है जिसे 35% मिलते हैं तो वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है, दूसरा कैंडिडेट है जिसे 60% मार्क्स मिलते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से 35 मार्क्स ज़्यादा ले आता है, तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस एग्ज़ाम के। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पासिंग मार्क्स, ठीक है, एक 35% लेके आता है वो यहां रह जाता है, 35% मार्क्स लाता है वो यहां पे रह जाता है, पासिंग मार्क्स से कितने कम मार्क्स आते हैं उसके, 40, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा, 40। दूसरा कैंडिडेट है वो 60% मार्क्स लेके आता है, ठीक है, तो पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा लिया आता है, 35। एक कैंडिडेट है वो पासिंग मार्क्स से 35% मार्क्स लेके आता है, पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स कम रह जाता है, दूसरा कैंडिडेट है वो 60% मार्क्स लेके आता है तो पासिंग मार्क्स से 35 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। ठीक है, अब यहाँ से, अब इस ग्राफ से देखिए आप, 60 माइनस 35% जो इन दोनों के बीच का गैप है वो इन दोनों की वैल्यू के इक्वल आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से 60% है, यहाँ पे 35% है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इक्वल है इन दोनों के एडिशन के, तो 60% माइनस 35% कितना आएगा, 25%, इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, 25%, 25% किसके इक्वल है, इन दोनों के एडिशन के, 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 25% की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, तो सेम जैसे लास्ट में किया था हमने, 1% की निकाल लेंगे, 75 बाय 25, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% ही होंगे ना, तो इसको 100% निकालनी है, तो 75 बाय 25 इंटू 100 फोर जा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 to 300, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 15% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 10% फेल इन संस्कृत, इफ 2% फेल इन बोथ देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में 15% स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं हिंदी में, 10% फेल हो जाते हैं संस्कृत में, और 2% फेल होते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो हमें बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। यहाँ से चीज़ देखिए, ये दोनों के लिए आया है, तो 15% फेल हुए हैं हमारे हिंदी में, प्लस 10% फेल हुए हैं हमारे
संस्कृत में। ये जो 2% है दोनों सब्जेक्ट के लिए बोला हुआ है, ये इसमें भी आ गया, ये इसमें भी आ गया, ये 2% हमारा दो बार ऐड हो गया, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 15 + 10 = 25 - 2 = 23%। तो 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, टोटल स्टूडेंट है 100% फेल हुए हैं 23%, पासिंग परसेंटेज निकालनी ना मैं, हाँ फेल हुए हैं 23%, तो पास कितने हुए हैं 100 - 23 = 77%। तो 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों में।